नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की एक खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेके नेशनल न्यूज मुंबई। जेके नेशनल न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड मेविश। कोनगांव पुलिस ने मुंबई नासिक महामार्ग स्थित बांसुरी होटल के पास से पटेरी गांव की कीमती खाल एवं पंजा तस्कर में लिप्त चार आरोपियों को धर दबोचने में कामयाब हासिल की है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से कीमती बाघ की खाल, पंजा एवं नाखून बरामद किया है। कोनगांव पुलिस स्टेशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोनगांव पुलिस स्टेशन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणपत राव पिंगरे को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुंबई नासिक महामार्ग स्थित बांसुरी होटल ठाकुरपाड़ा के पास बाघ तस्कर कीमती पटेरी बाघ की खाल, पंजा, नाखून आदि की बिक्री की के लिए आने वाले हैं। मुखबिर से मिली सूचना के उपरांत थाने पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर, अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुंभारे, भिवंडी पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान, सहायक पुलिस उपायुक्त आयुक्त प्रशांत ढोले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणपत राव पिंगरे, पुलिस निरीक्षक राजेंद्र पवार के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अभिजीत पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक पराग भाट, सहायक पुलिस निरीक्षक वामन सूर्यवंशी, पुलिस हवलदार राजेश शिंदे, संतोष मोरे, विनायक मासरे, संतोष पवार, गणेश चोरगे की टीम ने मुंबई नासिक महामार्ग स्थित बांसुरी होटल के पास जाल बिछाकर बाघ की खाल, पंजा, नाखून आदि बोरे में भरकर बेचे जाने की जुगाड़ में खड़े मुंबई के वडाला निवासी सुशांत सुशील कुमार सिंह, चेतन मंजेगोड़ा, आर्यन मिलिंद कदम, अनिकेत कदम को पटरी बाघ की कीमती खाल, नाखून, पंजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए की है। उपयुक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अभिजीत पाटिल को सौंपी गई है।